बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद कासिम फ्राम यूनिक लेक्चर साहब जी के। अच्छा, जैसा कि हमने कुछ दिनों से जो है इंग्लिश टेंसेस जो है स्टार्ट किए हैं, जो कि ना सिर्फ आपको काम किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में काम आएंगे, बल्कि जो लोग जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश ग्रामर वगैरह सीखना चाहते हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर वगैरह, उनको भी वो ये लेक्चर्स ये वीडियोज़ काफ़ी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने लेक्चर्स बनाए दो तीन बनाए प्रेजेंट सिंपल के हवाले से, प्रेजेंट कंटिन्यूस के हवाले से। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने ये बात भी देखी है कि जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, वो तो या तो सिंगुलर होते हैं या तो प्लूरल होते हैं। तो उसके बारे में भी हम जानते हैं, सब्जेक्ट्स जो होते हैं या तो दो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। एक होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ही, इट, पेन या अली वगैरह जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और प्लूरल कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, अली एंड अमजद वगैरह जो हैं ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। अभी हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट जो भी होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, वो अपने साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो दो हैं, एक है हैव एंड हैज़। प्रेजेंट परफेक्ट के जो हेल्पिंग वर्ब हैं हैव एंड हैज़, तो सिंगुलर जो हैं वो हैज़ लेंगे अपने साथ साथ। ही हैज़ कम, शी हैज़ रिटन, इट हैज़ मेड, पेन हैज़ राइट, अली हैज़ पेन एज रिटन, पेन एज रिटन वर्ब थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब थर्ड फॉर्म। अली हैज़ ड्रंक, वर्ब थर्ड फॉर्म। उसके बाद ये जो अपने साथ हैव लेंगे, आई हैव गॉन, वी हैव कम, यू हैव थॉट, दे हैव मेड या अमजद एंड अली हैव, अमजद अली हैव रिटन। ये भी अपने साथ जो है हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म ही लेते हैं। परफेक्ट जो भी होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट जो जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से हैव हैज, ये हो गई हमारी वर्ब सब्जेक्ट की अफर्मेटिव फॉर्म। सब्जेक्ट जो अफर्मेटिव जो काम होते हैं वगैरह, ये हो गया हमारे अफर्मेटिव काम फॉर्म। अभी हम बात करेंगे इंटरोगेटिव के हवाले से। अभी हम बात करेंगे इंटरोगेटिव के हवाले से, इंटरोगेटिव फॉर्म कौन सा है। अभी हैज पहले लगेगा, हैज ही कम क्वेश्चन मार्क, हैज ही रिटन क्वेश्चन मार्क, हैज इट मेड क्वेश्चन मार्क, हैज अली रन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद होगा प्लूरल पे, हैव आई गॉन क्वेश्चन मार्क, हैव यू रिटन क्वेश्चन मार्क, हैव दे
रेड क्वेश्चन मार्क हैव वी हैवी ईटन हैवी ईटन क्वेश्चन मार्क या हैव हैव अली एंड अमजद वाग्ड वर्ब हमेशा के साथ जो है थर्ड फॉर्म होगा। आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह जो है वो अपने साथ वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लेता है। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म। अभी हम बात करेंगे नेगेटिव फॉर्म के हवाले से। नेगेटिव फॉर्म के हवाले से नेगेटिव किस्में के ना होती हो शी हैज नॉट मेड ही हैज नॉट कम इट हैज नॉट रिटन अली हैज नॉट थॉट। ये हो गया हमारा नेगेटिव फॉर्म। अभी यहाँ पे आते हैं आई हैव नॉट गॉन यू हैव नॉट रेड दे हैव नॉट क्लीन्ड वी हैव नॉट वी हैव नॉट मेट वी हैव नॉट मेट या अमजद एंड अली हैव नॉट थॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ये यहाँ पे अपने साथ जो है इसके बाद ना लगेगा। जो जब भी कोई आप नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे किसी भी सेंटेंस का अगर उसका नेगेटिव फॉर्म है तो उसके आपको ये देखना है कि वो उसको वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब अगर इज होगा तो उसके बाद नॉट आएगा। अगर हैव इज होगा तो वहाँ पे नॉट आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब जो है विल होगा तो उसके बाद नॉट आएगा। शैल होगा तो उसके बाद नॉट आएगा। डू डज होगा तो उसके बाद नॉट आएगा। तो नेगेटिव जो है अपने नॉट तब ही लेता है जब जो है हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगाते हैं। जैसे कि ये हो गया हैज नॉट एंड हैव नॉट। ये उसके बाद अभी हम सीखेंगे इंटरोगेटिव एंड निगेटिव। दोनों एक साथ होंगे इंटरोगेटिव एंड निगेटिव। इंटरोगेटिव एंड निगेटिव हैज शी नॉट क्लीन्ड हैज शी नॉट क्लीन्ड क्वेश्चन मार्क हैज ही नॉट सीन क्वेश्चन मार्क हैज इट नॉट मेट क्वेश्चन मार्क हैज अली नॉट ड्रंक क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आते हैं प्लूरल पे
हैव आई नाट, हैव आई नाट कम क्वेश्चन मार्क, हैव यू नाट गॉन क्वेश्चन मार्क, हैव दे नाट वॉच्ड क्वेश्चन मार्क, हैव वी नाट जम्ड क्वेश्चन मार्क, हैव अली एंड अमजद नाट थॉट क्वेश्चन मार्क। जब भी कोई इंटरोगेटिव की मतलब बात आएगी तो उसमें हम जो हैं क्वेश्चन मार्क लाजमी इन्वॉल्व इंक्लूड करते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।